क्लास 7 सेमेस्टर 2 चैप्टर 1 शुरू करते हैं। मिडिवियल गुजरात। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पटोला ऑफ पाटन एक पिक्चर दिया गया है, जो एक फेमस प्रिंटेड कारीगरी है पाटन की। पाटन एक जगह का नाम है गुजरात में। अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार रावण हत्था, जो एक वायलिन की तरह होता है, उसके ऊपर गीत गाता हुआ गांव में घूम रहा था। बच्चों की पूरी टोली उसके पीछे पीछे घूम रही थी। उस कलाकार ने एक गाना वो बार बार गाता था, जिसके वर्ड्स कुछ इस तरह के थे। छेला जीरे मारी हाटू पाटण थी पटोला मोंगा लावजो। गुजराती सॉन्ग है ये। तो छोटा सा प्रतीक घर गया और अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये पाटण के पटोले के बारे में आपको कुछ पता है तो बताइए। प्रतीक के दादाजी हिस्टोरिकल स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट था उनका। उन्होंने पटोला के बारे में पूरी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल टाउन अनहील वार्ड पाटन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसको दी। मिडिवियल एज के दौरान 1746 से लेकर 1304, यानी कि नियर अबाउट 560 ईयर्स, 560 साल तक गुजरात में चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी, इन सब ने रूल किया। उनके रूल के दौरान गुजरात स्टेट की जो राजधानी थी, जो गुजरात का जो कैपिटल था उस टाइम पे, वो अनहीलपुर पाटण था, जो आज अनहील वार्ड पाटण के नाम से जाना जाता था। अभी वो पाटण से वेस्ट साइड अनावाड़ा, जो एक गांव का नाम है, और जो पहले उसका नाम था अनहील वार्ड, जो अभी अनावाड़ा के नाम से जाना जाता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अनुसार उससे रिलेटेड पंचासर, उसमें चावड़ा डायनेस्टी थी। उनके राजा जय शिखरी, एक वॉर में उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बेटे वनराज सिंह चावड़ा, उन्होंने अपने पिता का जो किंगडम था वो वापस लिया। अनहील वार्ड पाटन, जो बाद में उसे नाम दिया गया, ऐसा कहा जाता है कि उसका नाम अनहील वार्ड पाटन इसलिए रखा गया था क्योंकि इस किंगडम को वापस पाने में उनका एक दोस्त था अनहील, जिसने मदद की थी वनराज चावड़ा की, इसलिए इस गांव का नाम अनहील वार्ड पाटन रखा गया था। चावड़ा डायनेस्टी के रूलर्स ने लगभग 196 ईयर्स तक गुजरात में रूल किया। उसके बाद सोलंकी डायनेस्टी आई और उन्होंने रूल किया। सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे गुजरात बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था। अनहील वार्ड पाटन की गिनती वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट राजपूत एज में, वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्टेट में सोलंकियों की ये जो डायनेस्टी है वो मानी जाती थी। इस डायनेस्टी के राजा जैसे कि मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा इसमें थे। सिद्धराज जयसिंह के नाम से
कलिकार सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य वो भी उनके साथ उनके कोर्ट में थे। उनके टाइम पे अनिल वाड पाटन को सेंटर ऑफ एजुकेशन माना जाता था। सिद्धराज जयसिंह के इनविटेशन के उनके बुलावे पर हेमचंद्राचार्य जी हैं सिद्ध हेम शब्द अनुशासन नाम का एक ग्रामर बुक एक ग्रामर बुक उन्होंने लिखी। इस ग्रंथ को पूरी इज्जत के साथ हाथी के ऊपर रखकर पूरे नगर में घुमाया गया और सभी राजाओं को ये बहुत अच्छा लगा। जब कुमारपाल राजा थे तो गुजरात की जो समृद्धि थी, गुजरात का नाम लिस्ट में सबसे टॉप पर माना जाता था। अनहिल वार्ड में उस टाइम पे नॉन वायलेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन यानी कि अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का तीनों का मिलाप कमाल का था। सोलंकी डायनेस्टी के सभी राजा बहुत ही महान राजा थे। इस डायनेस्टी में एक दो ऐसे नहीं, पूरे छह राजा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ के वो तपस्वी बन गए, वो साधु बन गए। अनहिलवाड़ पाटन के सिर्फ राजाओं और जो एकेडमियंस थे सिर्फ वही महान नहीं थे, वहाँ की रानियाँ भी उतनी महान थी। रानी उदयमती ने लोगों के लिए एक स्टेपवेल बनवाई जो बाद में रानी की वाव के नाम से जानी गई। वो 7 फ्लोर थे, 7 लेवल थे और इस रानी की वाव में आर्किटेक्चर का कमाल का नमूना आप देख सकते हैं जो आप कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाव के साथ उसके अंदर जो पत्थर की मूर्तियां है वो आज भी सोलंकी डायनेस्टी कितनी महान थी वो हमें बताते हैं। राजमाता मीनल देवी लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सिद्धराज जयसिंह के माताजी राजमाता मीनल देवी ने पूरे स्टेट में से पिलग्रिम टेक्स्ट यानी कि यात्रा वेरा, जो यात्रा के ऊपर जो टैक्स लगता था, कहीं पर आपको भगवान के दर्शन के लिए जाना है या जैसे हम बोलते हैं यात्रा के लिए जाना है, तो वो जो टैक्स लगता था वो उन्होंने बंद करवा दिया। उनके कहने से ही धोड़ का एक जगह है, वहाँ पर मलाव तड़ाव एक लेक बनवाया गया, मलाव जिसका नाम था मलाव लेक, और विरम गांव में मुनसर लेक बनवाया गया। सिद्धराज जयसिंह के टाइम में पाटन में एक सहस्त्रलिंग लेक भी बनवाया गया, सहस्त्रलिंग लेक भी उस टाइम पे बनवाया गया। अनहिलवाड़ पाटन इस नाम के साथ एक वीरांगना रानी, बहुत ही स्ट्रांग रानी, वॉरियर, उसकी भी हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई है। राजा अजय पाल के मरने के बाद उनका बेटा छोटा था, इसलिए राज्य का पूरा कारभार उनकी रानी नायकी देवी के ऊपर आ गया। उस टाइम पे शाहबुद्दीन घोरी वो डेजर्ट क्रॉस करके गुजरात पे आ गया, उन्होंने गुजरात पे अटैक कर दिया। उसने इस टाइम पे वॉरियर वीरांगना नायकी देवी
ने अपने बेटे को अपनी गोद में कपड़े में बांधकर गुजरात की जो आर्मी थी उसका उसकी लीडरशिप की और एंड में शाहबुद्दीन गोरी की सेना को हरा दिया। सोलंकी डायनेस्टी के बाद वाघेला डायनेस्टी के राजाओं ने भी गुजरात के ऊपर रूल किया। वाघेला डायनेस्टी के लास्ट एम्परर, लास्ट राजा, आखिरी राजा करणदेव वाघेला, उनकी अलाउद्दीन खिलजी के सामने हार हो गई और उसके बाद अनिलवाड पाटन के ऊपर से राजपूत डायनेस्टी, ये राजपूत एज वहीं ख़त्म हो गया, राजपूत रूल वहीं ख़त्म हो गया। फिर कुछ टाइम तक अनिलवाड पाटन गुजरात के सिर्फ एक राजधानी रह गई। सल्तनत टाइम पे अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद टाउन बनवाया, उसे एक्सपेंड किया। तब से पाटन गुजरात की राजधानी वो अब नहीं रही थी और एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बन के रह गया था, एक सूबागिरी जिसे के डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कि वहाँ से सारी चीज़ें मैनेज होती थी, वहाँ पे सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट होती थी। 15 और 16 सेंचुरी के एंड में गुजरात के ऊपर कई सुल्तानों का रूल रहा। इस रूल के दौरान अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ो, मुजफ्फर सेकंड, ऐसे कई सारे नोटेबल नामचीन सुल्तान उस टाइम पे थे। 17 सेंचुरी की शुरुआत में गुजरात में मुगल एम्परर, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे गुजरात में कई सारे किंगडम्स एग्जिस्ट हुए और बनाए गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र डालते हैं। सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे राजा सबसे पावरफुल माना जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट वो डिफरेंट मिनिस्टर हैंडल करते थे, अमात्य बोलते थे उसे, अमात्य। उसमें से सबसे जो मेन मिनिस्टर होता था, हेड ऑफ द मिनिस्टर, उसे महामात्य बोलते थे। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते थे उसे श्रीकरण बोलते थे और ऐसे कई सारे उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थे उसे मंडल कहा जाता था। इस स्टेट का जो कैपिटल था वो सरस्वती नदी के किनारे था, इसलिए इसको सरस्वती मंडल के नाम से जाना गया। मंडल के सब सेक्शन को पथक कहा जाता है। ऐसे कई सारे पथक थे उस टाइम पे जिसमें कई सारे विलेजेस इंक्लूड होते थे, यानी कि जो किंगडम है, जो स्टेट है, वो बहुत ही बड़ा, बहुत सारे विलेजेस उसमें इंक्लूड होते थे। उस टाइम पे कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल यानी कि खेड़ा नियर नडियाद, लाट मंडल, मेदपाट मंडल, ऐसे कई सारे मंडल उस टाइम पे थे। आर्किटेक्चर एंड कल्चर देखते हैं। वैसे सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे गुजरात में शैविज्म, जो लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, उस टाइम पे लॉर्ड शिवा को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा थे। ड्यूरिंग सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में जैसे सोमनाथ पाटन
एक सेविज्म के लिए फेमस था, एक सेंटर माना जाता था। उसी तरह से द्वारका वो वैष्णव के लिए बहुत ही फेमस था। मिडिवियल टाइम में बुद्धिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, इसलिए जैनिज्म को बहुत सपोर्ट मिलता था। उस टाइम पे कई सारे महान और बहुत ही आलीशान जैन टेंपल बनाए गए। इसी टाइम पे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग को भी बहुत सपोर्ट दिया गया, बहुत बढ़ावा मिला। और इस टाइम के आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं कि राजस्थानी टेम्पल की शैली, उसका टच, राजस्थानी टच हर एक आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है। 11th सेंचुरी में बनाया गया सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, विमलव सिंह टेम्पल आबू, जो 11th सेंचुरी में बनाया गया। रुद्र महालया टेम्पल, वो भी 11th सेंचुरी में बनाया गया। सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्टेड किया गया, वो 12th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में देलवारा टेम्पल माउंट आबू को बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि 11th, 12th और 13th सेंचुरी में काफ़ी सारे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग को बहुत सारा सपोर्ट मिला। और ये सारे जो मैंने नाम लिए, वो सारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस और सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर माने जाने वाले प्लेस हैं। गुजरात में उस टाइम पे सिर्फ टेम्पल्स ही आर्किटेक्चर का एक नमूना और अच्छे आर्किटेक्चर से बनाया गया था, ऐसा नहीं था। कई सारे आर्किटेक्चर वर्क्स जैसे कि लेक्स, फोर्ट्स, गेटवेज, आर्क्स ऑफ टेम्पल्स एंड मिंटू से तोरण्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। उसमें कीर्ति तोरण, जो वडनगर में बहुत फेमस है। मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिखे जाते थे, जो पाम लीव्स जिसे हम ताड़ पत्र बोलते हैं, वो बहुत ही प्लानिंग के साथ मार्जिन चारों तरफ छोड़ के, चारों तरफ अच्छी तरह से, जो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो ताड़ पत्र के ऊपर लिखे जाते थे, वो 2-3 फीट लंबे और 2-3 इंच चौड़े ताड़ पत्र के ऊपर चारों साइड मार्जिन छोड़ के उसमें एक लिमिटेड स्पेस में उसे लिखा जाता था और उसमें पेंटिंग भी की जाती थी। इसके अलावा सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे जैनिज्म को भी काफ़ी सपोर्ट मिला था। उस टाइम पे जैनिज्म के लिट उस टाइम पे भी उसके लिए जैनिज्म के भी लिटरेरी वर्क हुए, जैसे कि एक उसमें बहुत फेमस है, वो है द्वयाश्रय ग्रंथ, जो बहुत ही फेमस है। अहमदाबाद उस टाइम पे सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन गया था, सल्तनत टाइम पे। कई सारी बुक्स पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई, पर्शियन इट मीन फारसी, ईरान, ईरानी लैंग्वेज में लिखी गई, और कई सारी बुक्स गुजराती में भी लिखी गई थी उस टाइम पे। कई सारी फेमस, बहुत ही बड़ी आलीशान मस्जिद भी उस टाइम पे बनाई गई थी, सल्तनत एज के दौरान और मुगल के टाइम पे भी। उसमें बहुत ही फेमस सिद्दी सैयद की ग्रिल ऑफ अहमदाबाद और सरखेज रोजा मस्जिद, वो भी उसी टाइम पे बनाया, कंस्ट्रक्टेड किया गया था। सो इस तरह से मिडिवियल एज में, यानी कि ऑलमोस्ट 560 ईयर्स, गुजरात में राजपूत डायनेस्टी और उसके बाद सल्तनत और मुगल डायनेस्टी भी रूल किया,
कुछ एविडेंस हमने देखे जिसमें आर्किटेक्चर वर्क किया गया था और लिटरेरी वर्क भी उसी टाइम पे काफ़ी सारा अच्छा किया गया था।